सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जोशी सिब्लिंग्स। आई एम वैष्णवी जोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपने विलेज उत्तराखंड, हम अपने गांव उत्तराखंड जा रहे हैं एक साल बाद, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और गाड़ी आ गई है, अभी हम जा रहे हैं। बस सब अपना सामान लेके जा रहे हैं, एंड ये है हमारे लड्डू गोपाल, ठीक है? तो बिल ये भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और यहाँ पे मैंने बैग पकड़ लिया है। चार्जर रख लिया? रख लिया, पापा ने रख दिया था चार्जर। तो लेट्स गो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रात हो रखी है, मतलब सुबह का टाइम हो रखा है। तो दुख की बात है कि पापा हमारे साथ गाँव ही जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं और बेचारे पापा की पापा को छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं। इससे अपनी चल गाड़ी देख सकते हो, चलते हैं, खुशी बात हो रही है, लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि पापा नहीं चल रहे। बाय बाय। तो हमने पापा को बाय बोला और द्वारका से उत्तराखंड की तरफ चले गए। और अभी इतना अंधेरा हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि 2-3 बजे, लेकिन अभी असलियत में 6 बजे हैं, एंड सर्दियों का टाइम है, इस वजह से अंधेरा अंधेरा हो रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग है, फॉग है नहीं, कोहरा, और कोहरा भी नहीं समझे तो मतलब बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी, एंड इतना धुंधला धुंधला हो रखा था पूरा, 6-7 बजे तक बिल्कुल ऐसे ही धुंधला हो रखा था। तो फिर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हुए हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अभी हम दिल्ली में हैं, मुझे तो लगा, हाँ मैंने पढ़ा था कि हम बुराड़ी में हैं, मुझे तो लगा हम कहीं आगे पहुँचेंगे। कोई बात नहीं, चलो सबसे उनके बारे में पूछते हैं। मम्मी बताओ कैसा लग रहा है आपको? मुझे ना बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी तो पापा जी बहुत याद आ रही है। ओ माई गॉड, कितने दिलचस्पी लोग हैं, याद आएगी। ये तो आंटी बना हुआ है। वाओ beautiful hey friends, अभी हम यहाँ पे हैं हापुड़ में, शिवा ढाबा में। अभी सुबह का टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे भी हम रिफ्रेशमेंट मतलब चाय वगैरह के लिए रुके हुए हैं, तो भी मम्मी लोग चाय देंगे, फिर चाय वगैरह पीने के बाद निकलेंगे फिर आगे के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाय आ गई है, सब चाय पी रहे हैं। बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रखा है। आप लोग भी खा लो मेरे साथ। तो अभी हम रामनगर से आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा पहाड़ों वाला थोड़ा व्यू आएगा, यहाँ पे जंगल है, थोड़ी देर में पहाड़ भी निकल जाएंगे, इस साइड भी देखेंगे पहाड़। इस साइड तो रिजॉर्ट दुकान और घर है। उत्तराखंड के रामनगर के लोग देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा, यहाँ पे हम टीका लगा रहे हैं। उत्तराखंड का अपना व्यू चाहिए था, पहाड़ों वाला वैसा व्यू आने लग गया है, एंड ये रहे हमारे उत्तराखंड के सुंदर सुंदर पहाड़। अभी हम पहुंच गए हैं मरचूला में, क्योंकि दिन हो गई है और अभी हमें कुछ लंच वगैरह करना है इस वजह से, एंड यहाँ पे मरचूला में जो है मरचूला के छोले बहुत फेमस हैं, ठीक है? तो हम वो खाने आए हैं, और वैसे भी हमने जब भी हम आते तो हम खाते रहते हैं, तो अगर आपने मरचूला के छोले खाए ना तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? एंड मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ अपने पहाड़ों का, उत्तराखंड के पहाड़, अरे वाह। अगर आपको इस व्यू को देख के अच्छा लगा ना तो आप बताना, एंड बताना कि आप किस स्टेट से हो, आप किधर से बिलोंग करते हो। अरे वाह, यहाँ पे आप बंदर देख सकते हो, क्या पता ना दिखे, एंड ये है मुर्गी मुर्गा जो भी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ अपने उत्तराखंड की। तो यहाँ पे आप देखो एक मिनट, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश वाटर आता है पहाड़ों से,
ऊपर से लाओ आ जाओ, ये हमारा लड्डू है, पकड़ लो। वहाँ से देखिए ऐसे बोन पे टपकती आ रही है, वहाँ से आ रहा है और यहाँ से बिल्कुल तेज आ रहा है। तो ये है मरचूला के छोले, ये हमारा पूरा पहाड़ का व्यू लेते रहते हैं। सिर्फ पहाड़ों की मैगी होती है ना, हमारे यहाँ मरचूला के छोले होते हैं, फेमस छोले मरचूला के छोले। मरचूला से निकल गए थे और अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, गाँव पहुँच गए हैं। तो अभी हम आपको अपनी नानी को दिखाते हैं, ये दोस्त है यहाँ पे। सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मेरे हाथ में सामान दिया, पीछे बैग भी है, लेकिन मैं फिर भी चल रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ, चलना तो है ही, वीडियो बना रही हूँ। तो चलते हैं पहाड़ों का व्यू इंजॉय कर करके। वो मम्मी बड़ी कठिन रास्ता है ना, हम ऐसे मतलब मम्मी के गाँव पहली बार आ रहे हैं, मतलब इससे पहले आए थे लेकिन कुछ ज़रूरी काम से आए थे, तो उसी टाइम आए, आधे घंटे रहे और चले गए। और तब हम छोटे भी थे ना भाई, कोई बात नहीं। ये देखिए आप हमारे उत्तराखंड को, कुछ टाइम बाद इधर भी क्या कहते हैं मरोड़ आ जाएगी ना, क्या पता आ जाए, अरे अभी नहीं बहुत टाइम बाद। हाथ दर्द हो गया, तो दोस्तों डेस्टिनेशन हमारी पास है, और कुछ सामान है नीचे, ये लेके चले गए। चलो बहुत अच्छा, बस वेरी गुड, बढ़िया। देखो नानी लोगों का घर आ गया, नानी बिल्कुल काली हो गई है गाँव में। चलो यहाँ पे नानू तो अभी वहीं पे ही है, देखो आप नानू को, ये देखो ये दिख रहे हैं, नानी किसके साथ है, उन्हीं के साथ है। आखिरकार हम घर पहुंच गए, एक बार सबसे मिलने फिर आपसे मिलते हैं नानी लोग। सो फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, रेडी वगैरह हो गए हैं, एंड ये मम्मी कृष्णा की ड्रेस चेंज कर रही है, और ऐसे अभी तो पूरा बिखरा पड़ा है। ये नानी ये देख लो, नानी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सामने वाला मेरा दुर्गा है। अच्छा, और आज क्या बनाया आपने? आज कड़ी दिखा दो जरा नानू, नानी ये कड़ी है, पकौड़ी है। अच्छा, और बनानी है भुजी, हरी सब्जी। अच्छा, तो सबको बोल दो कि इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, जरा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। गढ़वाली में एक लाइन बोल दो कि आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया सब, हम बढ़िया। अच्छा, तो अभी अंदर चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है मेरे हिसाब से, तो बाकी का जितना भी व्लॉग होगा कल कंटिन्यू करेंगे। कल से मेरी आशा ये है कि डेली व्लॉग्स आएंगे, मैं कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करूँगी, क्योंकि पिछले साल तो जब हम गाँव गए थे ना, तो मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे उत्तराखंड के बारे में कुछ दिखा ही नहीं, और आप लोगों को भी क्या पता इतना इंटरेस्टिंग ना लगा हो, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार अब हम अपने चैनल को थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, मतलब मैं वीडियो थोड़ी और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे की वीडियो देखनी है ना कल परसों की, डेली आएगी आपको।